राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद आज द फॉलो अप रजरप्पा आया है। रजरप्पा जहां छन्नमस्ती का मंदिर है, वो मंदिर जिसका इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। वो इतिहास तो हम नहीं देख पाते, या किताबों के पन्ने में हम अगर उसे ढूंढने की कोशिश करें तो शायद मिल भी जाए, पर उसके वर्तमान में आज हम शरीक हुए हैं। कहा जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा और खुद अध्यक्ष साहब जी द्वारा कि पहली बार यहाँ मैया गंगा का महाआरती हुआ है। माँ छन्नमस्ती के सेवा समिति के अध्यक्ष जसवाल जी से तो हम बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है पहली बार मैया गंगा प्रवाहित हो रही है और पहली बार यहाँ आरती हुआ है, क्या कहेंगे आज? माता छन्नमस्ती के दरबार में हम लोगों की असीम आस्था है और हमारा सौभाग्य है कि इस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे माता छन्नमस्तिका का मंदिर है। और माता के मंदिर में मत्था टेकने के लिए देश विदेश से, दूसरे राज्यों से हजारों लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि यह काम, यह जो है अनुष्ठान को करने का माता ने अवसर हमें दिया, माता ने प्रेरित हमें किया। आज माँ छन्नमस्तिका सेवा समिति के माध्यम से यह एक हम लोगों ने प्रयास किया है बहुत ही अल्प समय में, कि कार्तिक पूर्णिमा ऐसे विशेष अवसर पर हम लोगों ने माता छन्नमस्तिके के दरबार में भैरवी नदी के तट पर यह आयोजन किया है। और यह प्रथम बार यहाँ के आम जनों के द्वारा यह आयोजन है और इस आयोजन को लेकर पूरे ज़िले में, पूरे राज्य के लोग आज शरीक हुए हैं। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसी शुरुआत जो कि हम लोग गंगा आरती बनारस में देखते हैं, ऋषिकेश में देखते हैं, उसी तर्ज पर आज हम आम जनों ने यह एक शुरुआत किया है और आने वाले दिनों में इस आयोजन को और भी भव्य बनाएंगे और भी विशेष अवसरों पर हम लोग इस आयोजन को करेंगे। असम में एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर, जिसे कहा जाता है कि वो भारत का सबसे शक्तिशाली प्रथम पीठ है। इसके बाद दूसरा जो सबसे शक्तिशाली पीठ माना जाता है वो यही है रजरप्पा का छन्नमस्तिका मंदिर। इतने साल लग गए क्यों एक आरती का आयोजन कराने में? चूंकि हर साल तो होता ही होगा, हर मौके पर होता होगा, लेकिन महाआरती की जो आप बात कर रहे हैं वो पहली बार आयोजन हुआ है, इतने साल क्यों लगे जिसका इतिहास 6000 साल पुराना हो? बिल्कुल, आज जो है कि नदियों को जिस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है और नदियों का जिस तरह से नामो निशान मिट रहा है, तो ऐसे आरती के माध्यम से हम नदियों को संरक्षित और नदियों को सुरक्षित, नदियों को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लेते हैं। आज आवश्यकता है कि हर एक उन नदियों को सुरक्षित रखा जाए, आज आवश्यकता है हर एक उन नदियों को स्वच्छ रखा जाए, जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है। इन नदियों का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है और नदियों के बिना हमारा पृथ्वी, हमारा जीवन अधूरा है। निश्चित तौर पर यह काम पहले होना चाहिए, लेकिन जब जागो तब सवेरा। आज यहाँ के युवा, आज यहाँ के नागरिक जागे हैं और ये शुरुआत है, यह कारवां बढ़ता जाएगा और हम लोग माता छन्नमस्तिका के मंदिर के आरती को, इस गंगा आरती को पूरे भारत के मानचित्र में भी हम लोग ले जाने का काम करेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से संदेश दिया है कि गंगा प्रदूषित हो चुकी थी, तो गंगा को किस तरह से सफाई किया गया, गंगा को किस तरह से विरल किया गया, वह संकल्प, वह प्रेरणा हमें वहां से मिली है और उसी को देखकर हम यहां के युवा, हम यहां के आमजन इस अनोखे शुरुआत को किए हैं। आप चूंकि माँ छन्नमस्तिका सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, जो लोग छन्नमस्तिका मंदिर के बारे में नहीं जानते, अगर कुछ पाँच प्रमुख चीज़ें यहाँ के मंदिर के बारे में जो इतिहास है इसका, अगर उसके बारे में कुछ विशिष्ट बातें अगर आज हमारे दर्शकों को बताएं तो क्या वो पांच बातें? देखिए, माता छन्नमस्तिका का पवित्र मंदिर संगम स्थल पर स्थित है। यहाँ पे दामोदर और भैरवी का संगम होता है, यहाँ नीचे आप देखिएगा संगम स्थल है, तो सबसे बड़ी विशेषता यह है। और यह जो है आज से 10-20 वर्ष पहले पूरा घनघोर जंगल था और घनघोर जंगल के बीच में माता का मंदिर, यह अपने आप में एक अलग विशेषता है। साथ ही साथ माता के मंदिर में यहाँ पर बलि प्रथा क्योंकि शक्तिपीठ है, सिद्ध पीठ है, तो यहाँ पे बलि चढ़ता है, माँ के मंदिर में प्रतिदिन बलि चढ़ता है, ये भी एक विशेषता है। और कई अन्य विशेषता हैं कि जब बारिश होती है और नदी लबालब भर जाता है तो पानी जो है ये सब कुछ ढक जाता है, माता का चरण स्पर्श करती है भैरवी नदी और फिर वहाँ से पानी घटना कम हो जाता है। तो यह जो है कि कई विशेषताएं हैं इस मंदिर का, उस विशेषताओं को हम गिना नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब कोविड में माता का मंदिर बंद था उस समय भी हम लोगों ने
यहाँ के युवाओं ने एक प्रयास किया था और माता छिन्नमस्तिका के मंदिर से रांची तक 80 किलोमीटर का पद यात्रा हम लोग ने किया था और सरकार से मांग किया था। कई आंदोलन हम लोगों ने मंदिर को खोलने को लेकर किया, चूँकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हमारे सर भैरवी नदी है और जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ और जिस तरीके से आज बैनर लगे, हमने खुद देखा कि वहाँ माँ गंगा लिखा है, उसके पीछे क्या प्रयोजन है, मतलब वास्तविकता क्या है इसके बारे में? देखिए, सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में नदी नदी गंगा है, कंकड़ कंकड़ शंकर है, तो उसी को हम लोग मानते हैं। हमारे लिए जल जो है, नदी जो है, वो गंगा के समान है। हमारे लिए वो पत्थर जो है, वो शंकर के समान है। तो हम नदियों की पूजा करते हैं और नदी जो है, निश्चित तौर पर ये माँ गंगा का ही रूप है। आज हजारीबाग से विधायक मनीष जैसा जी आए, विशिष्ट अतिथि के तौर पर वो आए। ऐसा क्यों होता है कि कई बार जब घाट पर कुछ चीज़ें आयोजित होती हैं उसके बाद उसके बाद कई ऐसे बहुत खास ऐसे बिरले मौके आते हैं जब फिर आरती होता है, जब कुछ विशिष्ट लोग आते हैं, इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अब लगातार यहाँ के आप अध्यक्ष भी हैं तो लगातार यहाँ पर वक्त आरती का आयोजन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह एक जो विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन था और इसमें कई विशिष्ट जन जो है शामिल हुए, यह हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है। हम लोगों ने कई माननीय सांसद को, कई माननीय विधायक गण को, हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को भी आमंत्रित किया था। तो ऐसे विशिष्ट जन आते हैं तो कार्यक्रम की शोभा और बढ़ती है। और कंटिन्यूटी का रहा सवाल, तो इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार करेंगे, प्रतिदिन संभव नहीं है, लेकिन विशेष अवसर पर, विशेष दिन, जो हमारे हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार जो विशेष दिन होगा, तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग माँ छिन्नमस्तिका सेवा समिति के माध्यम से लगातार करते रहेंगे और यह कार्यक्रम रुकेगा नहीं, दिनों दिन यह कार्यक्रम बढ़ते जाएगा। अच्छा, जब कोरोना काल था, जब कोरोना का वक्त था, देश में हर तरफ तबाही थी, उस दौरान पट बंद कर दिया गया, मंदिरें बंद थे, दरवाजे बंद थे, उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जो यहाँ पे हुआ है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के व्यवसायी हुआ, जो छोटे दुकानदार हैं, मझोले दुकानदार हैं, अब वो वाकई धीरे धीरे उभर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? क्या उनके साथ जो समुचित व्यवस्था उनकी कर दी गई है? कोरोना जो है, कोरोना के कारण पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आया, भारत भी उससे अछूता नहीं है, हमारे गांव कस्बे मोहल्ले भी उससे अछूते नहीं हैं। चूँकि कोरोना काल में माता का दरबार बंद हो गया था, तो माता के दरबार में लाखों करोड़ों लोगों की सीम आस्था छुपी हुई है, वहीं दूसरी ओर हजारों लाखों लोगों का रोजी रोटी भी माता के मंदिर से चलता है। यहाँ के पंडा पुजारी हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, फल प्रसाद बेचते हैं, नारियल बेचते हैं, मनिहारी दुकान है, नाविक भाई हैं, नाई भाई हैं, तो हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। तो हमारा जो आंदोलन था, हमारा जो, हमने जो मांग किया था कि माता का मंदिर खुलने से दोनों हमारी हिंदू आस्था भी जुड़ी हुई है, हमारी भक्ति भी जुड़ा हुआ है और जो है कि हमारा श्रद्धा भी जुड़ा हुआ है और एक तरफ से हजारों और लाखों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। अब कोरोना धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, निश्चित तौर पर जो है कोरोना के बाद माता के कृपा से पुनः जो है हमारा जीवन पटरी में आ रहा है, हमारा अर्थव्यवस्था भी पटरी में आ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम इस चुनौती को सफलतापूर्वक जो है उसका सामना करेंगे, इस कोरोना की लड़ाई को भी हम लोग जीतेंगे। द फॉलोअप के दर्शक चूंकि न सिर्फ झारखंड में बल्कि अलग अलग हिस्सों तक बोलते हैं, देखते हैं और सराहते भी हमारे काम को, कई बार आलोचना भी करते हैं, तो जिन लोगों ने आज तक छिन्नमस्तिका मंदिर नहीं आया, जो लोग नहीं आ पाए, अगर आप उन्हें बुलाना चाहें बतौर एक अध्यक्ष के तौर पर, तो कैसी गुजारिश करेंगे आज, चूँकि कई सारे लोग आज देखेंगे आप? बिल्कुल, आपके न्यूज पोर्टल के माध्यम से हम सभी श्रद्धालु भाइयों को आग्रह करेंगे, धर्मावलंबियों का आग्रह करेंगे कि माता का छिन्नमस्तिका का दरबार यह एक पवित्र स्थल है और माता के यहाँ जो भी मत्था टेकता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसका हर दुख दर्द दूर होता है, उसके जीवन में बाधाएं दूर होते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो आत्मा को एक शांति मिलती है, एक जो खुशी मिलता है, उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि अगर आप कभी भी झारखंड आएँ तो ज़रूर एक बार माता छिन्नमस्तिका के दरबार में मत्था टेकने के लिए आएँ। राज्य के समसामयिक मुद्दों पर तो हम बातचीत करते हैं और बातचीत मसलन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे समाज से, हर कुनबे से जुड़ा हुआ चीज़ है, पर जो आरती हैं मस्जिदों में, जो अजान है गिरजाघर में, जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, हम उन्हें बस इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारे देश की समरसता बनी रहे, हमारे देश की एकता बनी रहे। हम आज रांची से करीब 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज अभी फ़िलहाल 8 बजे हम इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम बतलाएँ कि जो धर्म है ना, उसका मकसद है बस सिर्फ एक साथ सब लोगों को जोड़े रखना,
धर्म का मतलब ये है कि सब लोग एक अच्छे रास्ते पर चलें, बल्कि हमारे समाज में कोई विखंडन ना हो, कोई अलग विचारधारा ना हो जिससे हमारे समाज में टूट पड़े। हमने ये कोशिश की, हमने ये पहल की कि पहली बार जब महाआरती का आयोजन हो रहा है तो इस आरती को आपके समक्ष भी हम प्रस्तुत करें, दिखाएँ हमारे द फॉलोअप के पेज के माध्यम से। बाकी ये सफ़र बहुत अच्छा रहा और सफ़र खूबसूरत है इसलिए क्योंकि मंजिल से भी ये सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है जब आप ऐसे आरती में, जब आप ऐसे माहौल में शरीक होते हैं। मन बिल्कुल गदगद है और यहाँ के बारे में एक बात जो कही जाती है कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ मनोकामना मांगते हैं तो ये मनोकामना हर एकदम बिल्कुल श्योर ही पूरी होती है, एकदम दिल से पूरी होती है। तो आपको जब मौका मिले तो आप यहाँ पर पहुँचें, मत्था टेकें और मैया से प्रार्थना करें और फिर आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आप देख रहे थे द फॉलोअप, मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in, like, share, and